फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, इसमें हम लोग नेक्स्ट फैक्टर ध्यान देंगे और इम्पॉर्टेंट है काफ़ी, इसलिए इसको डिटेल में समझना पड़ेगा। तो अगला फैक्टर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी कि सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन का एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है, इसके बारे में थोड़ा देखेंगे आज हम लोग। तो देखो, अगर सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन हम बढ़ाएंगे, यानी कि सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन क्या कि हमने इंक्रीज किया, तो उससे क्या होगा, इससे रेट जो है रिएक्शन का वो भी इंक्रीज होता है। अब ये जो इंक्रीज है रेट का, ये दो कारण से होता है, यानी कि टू रीजंस फॉर दिस इंक्रीज। तो वो दो कारण क्या क्या हैं? नंबर वन, पहला कारण ये है कि मोर एंड मोर एक्टिव साइट्स, एक्टिव साइट किस में होगा, एंजाइम में होगा। मोर एंड मोर एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम्स आर ऑक्यूपाइड बाई सबस्ट्रेट, यानी कि ज्यादा सबस्ट्रेट होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा एंजाइम की एक्टिव साइट को एक्वायर किया जाएगा बाय द सबस्ट्रेट। तो पहला कारण ये, तो यानी कि नंबर ऑफ इंटरेक्शन बढ़ जाएंगे तो रेट बढ़ जाएगा। दूसरा जो कारण है वो क्या है कि हायर नंबर ऑफ कॉलिजन्स, हायर नंबर ऑफ कॉलिजन्स बिटवीन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। भाई सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स की संख्या जब बढ़ेगी तो उनमें आपस में टकराव भी ज्यादा होंगे और उसकी वजह से वो आपस में इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो इस कॉलिजन की वजह से इंटरेक्ट करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे तो रिएक्शन होगी, तो रिएक्शन जब ज्यादा होगी तो इसका मतलब रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगा। तो ये दो मेन कारण है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बढ़ते ही एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ने का या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ने का, मेन चीज ये है। अब समझने वाली बात ये है कि शुरुआत में यानी कि इनिशियली जो वेलोसिटी या रेट में इंक्रीज होता है, द इंक्रीज इन वेलोसिटी इज वेरी हाई। शुरू शुरू में जैसे ही सबस्ट्रेट हम ऐड करते हैं तो उस दौरान बहुत तेजी से रेट या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन बढ़ती है, लेकिन यानी कि बट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली, डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली। ऑल्दो हम इंक्रीज कर रहे हैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट ऐड करते जा रहे हैं उसके बाद भी डिक्रीज होगी बाद में, इवन आफ्टर एडिंग सबस्ट्रेट। कोई बता सकता है कि इसका क्या कारण है? तो अगर हम इस चीज को ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जैसे कलर इसका हम चेंज कर देते हैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या दिखा रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी जो कहते हैं, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। और वाई एक्सिस पे हम दिखा रहे हैं सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, क्या है ये, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। तो इस कंडीशन में जब हम ऐड करते हैं सबस्ट्रेट तो इनिशियली जो है वो रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन बहुत तेजी से बढ़ती है, ये बढ़ती गई,
लेकिन बढ़ते बढ़ते एक स्टेज ऐसा आता है कि अब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का कोई असर नहीं पड़ रहा है, यानी कि यह पैरेलल इस तरह से चलेगी रिएक्शन। देखो इधर कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट का बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन अब ऊपर नहीं जा रहा है, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू पे आके कांस्टेंट हो गया। तो यानी कि अगर हम इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, दिस ये जो पॉइंट है ये सीधा ही ऐसे आएगा, इसको जब हम इससे मिलाएंगे तो इस एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट क्या डिनोट करेगा? इट विल डिनोट वी मैक्स, यानी कि ये क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी कहो या इसी को रेट कह दो, बात वही है। और ये ग्राफ जो है वो किस वजह से तैयार हो रहा है? क्योंकि सिस्टम में एंजाइम है, यानी कि रिएक्शन विद एंजाइम, जब एंजाइम प्रेजेंट होगा सिस्टम में, तो अगर एंजाइम ना हो तब क्या होगा? उस कंडीशन में धीरे जैसे जैसे सब्सट्रेट आओगे तो इस तरह से रेट ऑफ रिएक्शन धीरे धीरे इस तरह से लीनियरली बढ़ती रहेगी। तो ये कब की कंडीशन है? रिएक्शन विदाउट एंजाइम, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे जब एंजाइम नहीं है तो सबस्ट्रेट के आपसी कोलिजन से ही रिएक्शन होगी। तो जितने ज्यादा सबस्ट्रेट डालते जाओगे उतने ज्यादा कोलिजन होते जाएंगे, तो धीरे धीरे रेट इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये एक तरह से ये लीनियर ग्राफ आ रहा है, यहां पे लिख भी देते हैं लीनियर और रिएक्शन विद एंजाइम में क्या होता है? हाइपरबोलिक कर्व, ये जो ब्लू कलर से हमने बनाया है इसको हम हाइपरबोलिक कर्व कहते हैं, जिसमें शुरू में तो बहुत तेजी से इंक्रीज आता है लेकिन एक मैक्सिमम वैल्यू पे जाके और वो रेट कांस्टेंट हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं हाइपरबोलिक कर्व। ये कर्व कहीं भी दिखे तो इसको आप ध्यान रखिएगा, इसको हाइपरबोलिक कर्व कहा जाता है। तो ये बात समझ में आ गई, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बात हमने आपको अभी बताई, लिख भी दिया था इसको, ठीक है। तो ऊपर वाला जो हमने लिखा कि इनिशियली द इंक्रीज इन वेलोसिटी इज वेरी हाई बट डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली इवन आफ्टर एडिंग सबस्ट्रेट, फिर हमने ये ग्राफ बताया। उसके बाद उसी कॉन्टिन्यूएशन में नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि अ स्टेज इज रीच्ड, ऐसी अवस्था आती है व्हेन द वेलोसिटी या रेट इज मैक्सिमम, वो हमने देख लिया ग्राफ से। अब इस अवस्था के बाद कितना भी सबस्ट्रेट आप ऐड करते जाइए कोई असर नहीं आएगा रेट पे, यानी कि देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन रेट बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, बढ़ाते जाइए कोई फर्क नहीं पड़ना। ये बात समझ में आ गई, कारण इसका हमने आपसे पूछ लिया है और उसको हम मेंशन भी कर दे रहे हैं ताकि आपको बाद में याद रहे। तो कारण क्या है? इट इज बिकॉज ऑल द एंजाइम्स एंजाइम्स स्पेशली किस बात किस चीज की हम बात कर रहे हैं? एक्टिव साइट्स आर फुली सैचुरेटेड बाई सबस्ट्रेट, या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो जब सारे के सारे ऑक्यूपाई हो जाएंगे या सेचुरेट हो जाएंगे तो अब कोई रेट में इंक्रीज होगा ही नहीं, कोई एक्टिविटी बढ़ेगी ही नहीं। और ये जो सेचुरेशन इफेक्ट है ये सभी एंजाइम शो करते हैं, क्या यानी कि एक पॉइंट ये क्या हो जाएगा? दिस सेचुरेशन इफेक्ट
इज शोन बाय ऑल द एंजाइम्स, जितने भी एंजाइम्स नोन हैं ये सब इस सैचुरेशन इफेक्ट को दिखाते हैं कि एक लेवल के बाद सब्सट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से इनके रेट ऑफ रिएक्शन में कोई इंक्रीज नहीं होता है। अब इसी ग्राफ की हेल्प से हम लोग एक और चीज समझेंगे और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में ये नीट में खासकर कई बार पूछा जा चुका है, और वो क्या है, वो है माइकेलिस कांस्टेंट। इसको माइकेलिस कांस्टेंट भी कहते हैं या इसको माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट भी कहते हैं। और इसको डिनोट करते हैं के एम से। तो माइकेलिस कांस्टेंट या माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, जिसको हम लोग के एम से डिनोट कर रहे हैं। तो अब ये माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट है क्या, एक लाइन में अगर इसकी सिंपल हम डेफिनेशन जानना चाहें तो माइकेलिस मेंटेन कांस्टेंट एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है। इट इज व्हाट, इट इज अ मैथमेटिकल डेरिवेशन या कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्यों कह रहे हैं, अभी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। ध्यान रखना ये है क्या चीज, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इसको हम बल्कि अंडरलाइन भी कर दे रहे हैं। इट इंडिकेट्स द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच, यानी कि ये कोई स्पेसिफिक सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, एट विच the enzyme catalyzed reaction, the enzyme non enzymatic reaction के लिए नहीं होती है ये, enzymatic reaction के लिए होता है ये Km value। तो it indicates the substrate concentration at which the enzyme catalyzed reaction attains half of its मैक्सिमम वेलोसिटी, हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी, यानी कि वी मैक्स जो हमने लिखा था उसकी हाफ वैल्यू अटेन कर ले। अब जरा ग्राफ के माध्यम से इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा कि केएम या माइकेलिस कांस्टेंट वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसपे जो एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है वो अपने मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ वैल्यू को अटेन कर लेती है। अब आओ ग्राफ पे। अब ग्राफ में देखो, ये ब्लू वाले से ही हमारा सरोकार है नीले वाले से, क्योंकि वही एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन है। इसमें देखो ये क्या है, कलर चेंज करके हम दिखाते हैं। देखो जैसे 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 आप वाई एक्सिस पे बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है। और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जब बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन भी इस एक्स एक्सिस पे देखो बढ़ रही है। जैसे जैसे कोई ये पॉइंट ले लो ग्राफ पे, और ये पॉइंट जब ले लोगे तो इस पॉइंट पे क्या है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जो है वो लगभग ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इस समय वेलोसिटी क्या है, ये भी कुछ होगी। अरे भाई वेलोसिटी बढ़ी ना, देखो यहां पे क्या होता है, इस पॉइंट पे जीरो होता है, तो जीरो से ऊपर चली गई वेलोसिटी क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी हमने बढ़ाया। अब इसी चीज को हम रीड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है। रीड्रॉ कैसे करेंगे, देखो कलर हम दूसरा यूज कर ले रहे हैं। ये पॉइंट, अब इस पॉइंट से जब हम वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमको एक वैल्यू मिलेगी, उसी तरह से जब एक्स एक्सिस पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो यहां पे भी एक वैल्यू मिलेगी।
ये जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है इसको हम क्या कहते हैं, यही है केएम। और इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे देखो ये वी मैक्स है, वी मैक्स का जस्ट आधा है, यानी कि ये क्या है, हाफ वी मैक्स। इसको लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस चाहिए, हाफ वी मैक्स। तो ध्यान दो फिर से, जैसे जैसे हमने सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाया वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ी। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाते बढ़ाते हम ऐसी वैल्यू ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे पहुंच गए जब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ते बढ़ते हाफ वी मैक्स पे पहुंच गया। उसी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू को हम क्या कहते हैं, केएम कहते हैं। वही है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। अब देखो वापस से हम आते हैं, ये जो माइकलिस कांस्टेंट है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है, ये कब डिस्कवर किया गया था, इन 1913, 1913 में, काफी पहले की बात है ये। बात अब ये है कि आखिर केएम वैल्यू हम लोग निकालते क्यों हैं, इसको मैथमेटिकली क्यों डिराइव करते हैं, क्या इसका पर्पस है। तो ये बात जान लो ध्यान से कि केएम इंडिकेट्स द एफिनिटी ऑफ द एंजाइम फॉर इट्स सबस्ट्रेट। केएम वैल्यू जो है वो क्या चीज इंडिकेट कर रही है कि किसी एंजाइम के लिए किसी सबस्ट्रेट के, माने किसी एंजाइम का किसी सबस्ट्रेट के लिए क्या एफिनिटी है, इस चीज को केएम इंडिकेट करता है। जैसे ऐसे समझो, वापस से ग्राफ पे आते हैं, मान लो कोई सबस्ट्रेट है जिसका कंसंट्रेशन हमने बढ़ाया, वापस से रेड कलर, कोई सबस्ट्रेट है जिसका कंसंट्रेशन हमने बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते इसी पॉइंट पे हमको क्या हुआ, वी मैक्स मिल गया, हाफ वी मैक्स इसी पॉइंट पे, ये केएम डैश कर देते हैं इसको। अच्छा, दूसरा सबस्ट्रेट है उसके लिए थोड़ा और कंसंट्रेशन हमको बढ़ाना पड़ा, जब इस पिंक वाले केएम पे आए तब हमको हाफ वी मैक्स मिला। तो अब ये बताओ कि किस सबस्ट्रेट के लिए, लाल वाले और पिंक वाले दो हैं, किस सबस्ट्रेट के लिए जो एफिनिटी है एंजाइम की वो ज्यादा होगी। लाल वाले के लिए हाँ बिल्कुल सही है भाई, लाल वाले के लिए जो एफिनिटी है वो ज्यादा होगी। क्यों? कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, किसका? सर कंसंट्रेशन कम रहेगी सर सबस्ट्रेट का। कम रहेगा, ज्यादा नहीं रहेगा। जी सर कम। हाँ क्यों? क्योंकि देखो कम कंसंट्रेशन पे ही, यानी लाल वाले में देखो कम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पे ही एंजाइम एक्टिविटी जो है या रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ के हाफ वी मैक्स पे पहुंच गई, और पिंक वाले के केस में हमको ज्यादा सबस्ट्रेट डालना पड़ा तब जाके भी हाफ वी मैक्स मिला। इसका मतलब ये हो गया कि हाँ पहले वाले केस में, रेड वाले केस में एंजाइम सबस्ट्रेट के लिए एकदम परेशान था कि थोड़ा सा भी मिले तो उसको पकड़ लो, तो इसका मतलब कि एफिनिटी ज्यादा है एंजाइम की सबस्ट्रेट के लिए। तो ये बात ध्यान रखना कि अगर केएम वैल्यू कम है तो इसका मतलब कि सबस्ट्रेट के लिए एंजाइम की एफिनिटी ज्यादा होगी।
और अगर Km वैल्यू ज्यादा है तो उल्टा हो जाएगा, यानी एफिनिटी कम हो जाएगी। समझ में आया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? हाँ, तो इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया और ये पॉइंट लिख दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि Km वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट। ये वन अपॉन है, इसी को इनवर्स प्रोपोर्शन कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, सिंपल भाषा में अगर लिख दें कि लोअर द Km वैल्यू हायर इज द एफिनिटी एंड वाइसी वर्सा। वाइसी वर्सा का मतलब इसका उल्टा भी सही है, यानी हायर द Km वैल्यू तो लोअर इज द एफिनिटी हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई। अब लास्ट में इसमें माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट में एक पॉइंट और हम आपको बता दे रहे हैं, वो ये है कि Km वैल्यू, यानी या कहें हम कि जनरल Km वैल्यू जो मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के लिए है, उसकी रेंज क्या है, वो है 10^-1 to 10^-6 मोल्स। भाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है ना, तो मोल्स में हम इसको एक्सपेक्ट मोलैरिटी में एक्सप्रेस कर रहे हैं इसको। तो ये रेंज होती है जो जनरली पाई जाती है। तो अब ध्यान रखिएगा ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी और इससे काफी क्वेश्चन जो है वो आते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या हो सकता है कि कोई एंजाइम एक से ज्यादा सबस्ट्रेट पे भी वर्क कर सकता है, आइसो एंजाइम्स उसको हम कहते हैं। तो उसमें अगर सबस्ट्रेट अलग हो रहा है, बदल रहा है, तो हर एक सबस्ट्रेट के लिए एक स्पेसिफिक Km वैल्यू होगी एंजाइम की। ये बात ध्यान रखिएगा, बस मुंह जबानी आपको बता रहे हैं। और एक लास्ट पॉइंट इसमें और ऐड करने का है, वो ये है कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं, अब ये एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या होते हैं ये भी अभी हम बताएंगे, पर पॉइंट ये यहां पे नोट करना जरूरी है कि जो एलोस्टेरिक एंजाइम्स होते हैं ये दे डू नॉट शो टिपिकल Km वैल्यू और बिहेवियर। एलोस्टेरिक एंजाइम्स में टिपिकल Km वैल्यूज या बिहेवियर हमको नहीं नजर आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनमें एक्टिव साइट के अलावा एक और साइट होती है और उस साइट पे अगर कोई एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर जुड़ जाए, अभी तो खैर इसको बताना ही है लेकिन यहां पे हम ऐसे ही बता दे रहे हैं, जैसे ये हो गया और ये मान लो ये कोई एलोस्टेरिक एंजाइम है, तो इसमें ये वाली साइट क्या है, ये हो जाएगी एक्टिव साइट और ये वाली साइट क्या कहलाएगी, दिस विल बी कॉल्ड एज एलोस्टेरिक साइट। तो अगर कोई एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर आके यहां पे जुड़ गया ऐसे, तो जैसे ही ये जुड़ेगा एक्टिव साइट, अगर देखो अब ये मॉड्यूलेटर या तो एक्टिवेटर हो सकता है या फिर रिप्रेसर हो सकता है, दोनों हो सकता है, एक्टिवेटर या रिप्रेसर, ये दोनों हो सकता है। अगर ये एक्टिवेटर है तो इस एक्टिवेटर के जुड़ने के बाद एक्टिव साइट एक्टिवेट हो जाएगी और तभी एंजाइम जो है वो सब्सट्रेट से बाइंड करेगा। और अगर ये रिप्रेसर है तो इसके जुड़ते ही एक्टिव साइट जो है वो बेकार हो जाएगी और उस कंडीशन में एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर पाएगा। तो अब चूंकि यहां पे दो दो साइट्स हैं इसलिए ये टिपिकल Km वैल्यू नहीं शो करता है, सिर्फ अकेली एक्टिव साइट होती तब तो काम बन जाता। तो ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। सर लाइन दोबारा समझा दीजिए।
कौन सा? एलोस्टेरिक एलोस्टेरिक एंजाइम जो होते हैं, अभी हम इसको और डिटेल बताएंगे, अभी अभी परेशान ना हो। हाँ, हम अभी एलोस्टेरिक एंजाइम आएगा, क्योंकि एंजाइम रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी में भी अभी आएगा, तो वहाँ पे डिटेल में बताएंगे, तो फिर यहाँ पे फिर से एक बार हम बता देंगे कि क्यों के एम वैल्यू नहीं शो करता। क्या क्या चीज़? ये डायग्राम समझा दीजिए। जी ये वाला सर। देखो, ये है एक एलोस्टेरिक एंजाइम का डायग्राम, ठीक है? और इस एलोस्टेरिक एंजाइम में दो साइट्स होती हैं। एक साइट ये हो गई जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट, और दूसरी साइट तो एक्टिव साइट वो होगी ही होगी। अब इस एलोस्टेरिक साइट की खूबी ये होती है कि इस जगह कोई एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर, ये जो हरे से हमने बनाया, ये आके जुड़ जाता है। अब ये मॉड्यूलेटर जो है वो दो टाइप का हो सकता है, एक्टिवेटर हो सकता है, रिप्रेसर हो सकता है। अगर ये मॉड्यूलेटर एक्टिवेटर है, यानी एक्टिवेट करेगा एंजाइम को, तो जैसे ही ये जुड़ेगा एलोस्टेरिक साइट से, ये एक्टिव साइट एक्टिवेट हो जाएगी और सबस्ट्रेट से जुड़ जाएगी। लेकिन अगर ये मॉड्यूलेटर जो है वो रिप्रेसर हो गया, तो जैसे ही मॉड्यूलेटर से जुड़ेगा, एक्टिव साइट बेकार हो जाएगी, यानी एक्टिव साइट का कॉन्फिग्रेशन चेंज हो जाएगा और अब ये एंजाइम सबस्ट्रेट से नहीं जुड़ पाएगा। इसी इसी तरह के मॉड्यूलेशन को एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन कहते हैं। अभी आएगा, आगे एग्जाम्पल भी देंगे तुमको। तो अब इसके बाद मोड ऑफ एंजाइम एक्शन हम लोग देख लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताना है, मेन मेन पॉइंट्स हैं केवल। मोड ऑफ एंजाइम एक्शन, किस तरीके से एंजाइम्स जो है वो वर्क करते हैं। तो इसके दो मोड्स हैं, यानी कि टू मोड्स। पहले वाले को हम कहते हैं लॉक एंड की हाइपोथेसिस, और दूसरे वाले को हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो एक थ्योरी है और दूसरी हाइपोथेसिस है। अब देखो, लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या कहते हैं? सिंपल सी बात है इसमें। ये किसने दिया था? गिवन बाय एमिल वॉन फिशर, और कब दिया था इन्होंने? 1894 में। तो लॉक एंड की हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? इसमें ये कहते हैं, इस हाइपोथेसिस में फिशर ने कहा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों, बोथ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट्स, चूंकि इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, बोथ एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट्स हैव स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स, यानी इनके हिसाब से एंजाइम और सब्सट्रेट का एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, फिक्स शेप होता है, जिसमें एंजाइम को हम जो है वो लॉक की तरह इमेजिन कर सकते हैं और सब्सट्रेट को की तरह इमेजिन कर सकते हैं। तो किसी स्पेसिफिक ताले के लिए कोई खास चाबी ही होगी, तभी वो ताला काम करेगा। उसी तरह से स्पेसिफिक एंजाइम के लिए स्पेसिफिक सब्सट्रेट ही होगा, या ऐसे कहें कि स्पेसिफिक सब्सट्रेट के लिए स्पेसिफिक एंजाइम ही होगा, तभी वो काम करेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए, यही बस सिंपल सी बात है इसमें, कि एंजाइम को क्या कहा गया, सबस्ट्रेट को क्या कहा गया और किसने दिया। लेकिन बाद में क्या आया? बाद में आई इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो ये जो थ्योरी है, इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इसी का ये मॉडिफिकेशन है। और ये किसने दिया था, इंड्यूस फिट थ्योरी? तो इट वॉज प्रपोज्ड बाय कोशलैंड। कब दिया था इन्होंने? 1959 में कोशलैंड ने दिया था। अब ये क्या कहते हैं? तो इनके हिसाब से
जो एक्टिव साइट होता है एंजाइम का, एक्टिव साइट, इसमें दो ग्रुप्स होते हैं, टू ग्रुप्स। कौन कौन से? एक ग्रुप को कहा जाता है बट्रेसिंग ग्रुप और दूसरे को कहा जाता है कैटालिटिक। तो बट्रेसिंग ग्रुप हो गया और कैटालिटिक ग्रुप हो गया। बट्रेसिंग ग्रुप जो होता है इसका क्या काम होता है बट्रेसिंग ग्रुप का? तो ये है फॉर सपोर्ट ऑफ सबस्ट्रेट। जब सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ने की कोशिश करे तो उसको सपोर्ट देने का काम बट्रेसिंग ग्रुप का है। और जो कैटालिटिक ग्रुप है वो क्या करता है? इट वीकेंस दी बॉन्ड्स ऑफ सबस्ट्रेट बाई इलेक्ट्रोफिलिक एंड न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ये सब पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो कैटालिटिक ग्रुप है वो उसका काम होता है कि सब्सट्रेट के बॉन्ड्स को ब्रेक करे और जो रिएक्शन है उसको परफॉर्म कराए। तो इससे इसका तात्पर्य क्या है, इससे क्या हमको समझ में आता है, ये थ्योरी कहती क्या है एक्चुअली? एक्चुअली में ये थ्योरी कहती ये है कि शेप ऑफ एक्टिव साइट इज नॉट फिक्स्ड। एक्टिव साइट का शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे ही सबस्ट्रेट आता है, एज सून एज सबस्ट्रेट बाइंड्स, किससे बाइंड करेगा? एक्टिव साइट से, बाइंड्स टू द एक्टिव साइट, या हाँ स्पेशल का बट्रेसिंग ग्रुप वाला, बट्रेसिंग ग्रुप। तो क्या होता है उस कंडीशन में? होता यह है कि द एक्टिव साइट अंडरगोज कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। ये समझते हो क्या होता है कॉन्फॉर्मेशनल चेंज? मतलब कि उसकी उसके शेप में थोड़ा सा चेंज आता है, किसके? एक्टिव साइट के। टू adopt with the shape of substrate। मतलब ये समझो कि एक्टिव साइट का शेप फिक्स नहीं है। जैसे ये मान लो कि ये है एक्टिव साइट, ये तुम्हारा एक एंजाइम हो गया और ये है एक्टिव साइट। अब इसमें एक सबस्ट्रेट, कुछ इस तरह का सबस्ट्रेट जो है वो आने की कोशिश कर रहा है, ये सबस्ट्रेट हो गया। अब मान लो ये सबस्ट्रेट पहुंच गया इसके एक्टिव साइट तक। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो पूरा इलाका है यहां से लेके और यहां तक, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है बट्रेसिंग ग्रुप जो सबस्ट्रेट से अटैच होगा। और किसी स्पेसिफिक जगह पे, किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे इस तरह से कैटालिटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप यहां पे प्रेजेंट हैं। ये है क्या बेसिकली? दिस इज एन एंजाइम। अब जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा तो सबस्ट्रेट अब हम यहां से मिटा के और उसको सबस्ट्रेट को हम ऐड कर दे रहे हैं। सबस्ट्रेट यहां तक पहुंचा, पहुंचने के बाद क्या होगा, यानी कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा?
नेक्स्ट स्टेप में जो एक्टिव साइट है वो अपना शेप जो है वो चेंज करेगी, उसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंज आएगा और वो बिल्कुल सबस्ट्रेट के ऊपर प्रॉपरली फिट हो जाएगा लाइक दिस। ये देखा आपने, यानी कि यहां पे क्या हो गया, कॉन्फॉर्मेशनल चेंज। और जो कैटालिटिक ग्रुप था वो भी अब सबस्ट्रेट से इंटरैक्ट करने लगा। ये कैटालिटिक ग्रुप लगभग यहां पे आ गया है इस जगह पे, और इसी इलाके में ये सबस्ट्रेट के बॉन्ड वगैरह को ब्रेक करेगा और सबस्ट्रेट दो भागों में टूट जाएगा। तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, यानी सबस्ट्रेट के अटैच होने की वजह से एंजाइम इंड्यूस हुआ, उसने फिट किया अपने एक्टिव साइट को प्रॉपरली सबस्ट्रेट के ऊपर। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। तो ये बात समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है एलोस्टेरिक एंजाइम्स का, अगला भी इंपॉर्टेंट है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स, तो देखिए इसके बारे में हम अभी आपको बता चुके हैं, एक लाइन में इसके हम डेफिनेशन लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो कि दे हैव सेपरेट एरियाज फॉर एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट के लिए अलग एरिया होगा, एंड वेरियस मॉड्यूलेटर्स यानी कि जिसको हम कहेंगे एलोस्टेरिक साइट। सेपरेट एरियाज फॉर एक्टिव साइट एंड वेरियस मॉड्यूलेटर्स जिसको हम कहेंगे एलोस्टेरिक साइट। और होगा क्या, जैसे यहां पे बना के ही बता दे रहे हैं फिर से, तो ये हो गया हमारा एक्टिव साइट और ये हो गया एलोस्टेरिक साइट। अब देखो एलोस्टेरिक मेन चीज क्या हमको समझना है, वो मॉड्यूलेटर के बारे में समझना है कि मॉड्यूलेटर क्या चीज है। तो मॉड्यूलेटर जो होता है इसकी भी हम डेफिनेशन ही आपको बता दें, अभी हमने बताया है डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। मॉड्यूलेटर्स कॉज चेंज इन एलोस्टेरिक साइट्स और उसकी वजह से एंड बिकॉज ऑफ दिस द एक्टिविटी ऑफ एक्टिव साइट ऑल्सो चेंजेस। तो मॉड्यूलेटर क्या है, जो एलोस्टेरिक साइट को चेंज करते हैं, उसमें कुछ चेंज इंड्यूस करते हैं जिसकी वजह से एक्टिव साइट की एक्टिविटी भी चेंज हो जाती है, या तो एक्टिवेट हो जाएगा या फिर इनहिबिट हो जाएगा। अब मॉड्यूलेटर्स को और क्या क्या कहते हैं हम, यानी कि दे आर ऑल्सो नोन एज एलोस्टेरिक सब्सटेंसेस।
या इनको हम इफेक्टर्स भी कहते हैं, मॉड्यूलेटर्स को। अब ये जो मॉड्यूलेटर्स होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, ये भी हम बता चुके हैं आपको। दे आर ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन एक्टिवेटर्स। एक्टिवेटर्स क्या करेंगे, दे मेक एक्टिव साइट ऑपरेशनल, यानी एक्टिव साइट को ही एक्टिवेट कर देंगे। और जो दूसरे होते हैं वो कहलाते हैं इनहिबिटर्स। इनहिबिटर्स क्या करेंगे, इसमें हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि दे चेंज एक्टिव साइट सो दैट इट इज नो लॉन्गर एबल टू बाइंड टू द सबस्ट्रेट। यानी एक्टिव साइट में ऐसे चेंजेस कर देते हैं जिसकी वजह से वो एक्टिव साइट सबस्ट्रेट से न जुड़ पाए, बाइंड ना कर पाए। तो अब इसमें हम लास्ट में क्या चीज बची जो इंपॉर्टेंट है, वो है एग्जाम्पल्स। हम एलोस्टेरिक एंजाइम के एग्जाम्पल्स हमको देखने हैं। तो जैसे हमारे पास एक एंजाइम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो ये जो एंजाइम है इट इज एक्टिवेटेड बाय एडीपी and inhibited by ATP। बात समझ में आ रही है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज जो है वो ADP की प्रेजेंस में, ADP जब उससे जुड़ेगा एलोस्टेरिक साइट पे तो एक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन अगर ATP जुड़ेगा तो इनहिबिट हो जाएगा, यानी अपना रोल प्ले नहीं कर पाएगा। इसको डायग्रामेटिकली ऐसे समझ। अच्छा, ध्यान ये देना है कि एक्टिवेटर के लिए अलग साइट होगी, इनहिबिटर के लिए अलग साइट होगी। जैसे डायग्राम से ऐसे समझो कि सपोज ये एंजाइम है, इसमें तीन साइट्स आपको दिख रही हैं। तो ये वाली साइट जो है वो क्या हो गई, साइट फॉर एक्टिवेटर। यानी अगर यहां पे एग्जांपल ले लें तो क्या हो जाएगा, एडीपी ही तो एक्टिवेटर है। उसके बाद ये वाला जो है ये क्या है, साइट फॉर इनहिबिटर। जैसे यहां के एग्जांपल में क्या है, एटीपी, और ये क्या है, ये है एक्टिव साइट, यानी कि सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट, सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। तो यानी कि जब एटीपी जुड़ा रहेगा इस एंजाइम से तो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ पाएगा, लेकिन जब एडीपी जुड़ा रहेगा इस एंजाइम से तो सबस्ट्रेट जुड़ जाएगा और रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक की, का नाम है इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम एक्शन जो है वो कैसे रुकता है, स्टॉप होता है, इनहिबिट होता है। तो ध्यान दीजिए, इसमें बेसिकली हमारे पास हैं तो वैसे दो टाइप के, लेकिन जनरली हम लोग पढ़ लेते हैं।
दो से ज़्यादा टाइप के भी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो आपको हम सब बता दे रहे हैं कि किस किस तरह से एंजाइम का इनहिबिशन होता है। देखिए, फॉलोइंग कंडीशंस लीड टू एंजाइम इनहिबिशन। कौन कौन सी कंडीशन है हमारे पास? सबसे पहला, पहली कंडीशन है प्रोटीन डीनेचुरेशन। अगर हमने ऐसा कुछ कर दिया कि प्रोटीन डीनेचर हो गई, इसका मतलब एंजाइम डीनेचर हो गया, तो उस कंडीशन में वो अपना एक्शन कैसे परफॉर्म कर पाएगा? तो एंजाइम इनहिबिशन हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि सेवरल फैक्टर्स कैन डी नेचर द एंजाइम लीडिंग टू इनहिबिशन ऑफ इट्स एक्टिविटी। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? कई फैक्टर्स हैं, नाम जान लीजिए वैसे भी समझ में आ जाएगा। हाई टेम्परेचर, क्या कहें, हीट, हाई एनर्जी रेडिएशंस, जैसे गामा रे डाल दिया, एक्सरे डाल दिया, तो वो भी डीनेचर कर देंगे प्रोटीन को। और सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, सॉल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स जैसे कि सिल्वर है, मरकरी, ठीक है। तो इस तरह के मेटल्स के जो सॉल्ट हैं वो भी प्रोटीन्स को डीनेचर कर देते हैं। तो पहला तरीका तो ये हो गया कि एंजाइम एक्टिविटी कैसे इनहिबिट होगी। अब आते हैं नंबर टू पे। नंबर टू है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसमें क्या होता है? इसमें होता ये है कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट से बहुत मिलता जुलता हो, वो अगर रिएक्शन में मौजूद हो गया तो वो एक्टिव साइट के लिए कॉम्पीट करेगा विद द सबस्ट्रेट। जैसे मान लो ये है एंजाइम, ठीक है। अब हमारे पास इस एंजाइम का एक सबस्ट्रेट है जिसका शेप है लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये सबस्ट्रेट है। और यहीं पे हमारे पास एक और सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट ना कहें, एक और कंपाउंड है जिसका शेप है समथिंग लाइक दिस। अब आप ध्यान दें कि ये ग्रीन वाला क्या है, ये है सबस्ट्रेट, और ये रेड वाला क्या है, इनहिबिटर, और वाइट वाला तो हमको मालूम ही है एंजाइम है। अगर यहां पे इनहिबिटर के मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ा दी जाए तो वो सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट से जुड़ने नहीं देंगे, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा होगी इनहिबिटर की, तो वो कोशिश करेंगे और जाके एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम से खुद ही जुड़ जाएंगे, क्योंकि शेप जो है उनका इनहिबिटर का और सबस्ट्रेट का काफ़ी सिमिलर है, और एक्टिव साइट पे वो जाके फिट हो जाएंगे।
तो इसका मतलब कि जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाती है इनहिबिटर मॉलिक्यूल्स की, वैसे वैसे वो सबस्ट्रेट से कंपटीशन करने लगते हैं एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के लिए। अब इसमें एंजाइम एक्टिविटी तो जाहिर सी बात है वो घटेगी, इनहिबिट होगी, क्योंकि जो इनहिबिटर है ये किसी तरह का प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ये किसी लायक नहीं होता है। प्रोडक्ट तो तभी बनेगा जब सबस्ट्रेट एंजाइम से जुड़ेगा, तो इनहिबिटर जो है वो एक्टिव साइट ब्लॉक करके बैठा रहेगा और सबस्ट्रेट बेचारा जुड़ ही नहीं पाएगा। तो इसको कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। किस चीज़ के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं दोनों? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के लिए। अगर और ज्यादा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आप ऐड कर दीजिए मीडियम में, तब क्या होगा? अब सबस्ट्रेट की संख्या बढ़ गई तो अब इनहिबिटर को जगह नहीं मिलेगी, अब सबस्ट्रेट ही जाके एक्टिव साइट से जुड़ जाएंगे और तब रिएक्शन फिर से, यानी इनहिबिशन जो है वो रिवर्स हो जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? ये रिवर्सिबल इनहिबिशन का भी एग्जाम्पल है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, कि यहाँ पे एंजाइम की एक्टिविटी वापस से ऑप्टेन की जा सकती है अगर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल और ज़्यादा हम ऐड कर दें। तो सिंपल सी बात क्या है यहाँ पे, अगर कुछ पॉइंट हम यहाँ पे लिखना चाहें, और यहाँ पे हम एग्जांपल यहीं पे इसमें ही मेंशन कर दे रहे हैं इसी डायग्राम में ताकि कोई कंफ्यूजन ना है। ये जो एंजाइम है ये कौन सा एंजाइम है, इसका हम नाम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, दिस इज दी सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज। और यहाँ पे इसका जो सबस्ट्रेट है वो क्या होगा? जाहिर सी बात है सक्सिनेट ही होगा। और जो इनहिबिटर है वो क्या है? इनहिबिटर है मायलोनेट। ध्यान रखिएगा ये बात, ये कई बार पूछा जा रहा है। अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के एक दो पॉइंट हम आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, पॉइंट्स क्या हैं कि सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर। और यहाँ पे जैसे ही इनहिबिटर ऐड होता है क्या है, यानी कि दोनों बोथ कॉम्पीट फॉर द एक्टिव साइट, क्योंकि सेम सिमिलर है, यहाँ पे बता भी दे रहे हैं यही है एक्टिव साइट, दिस इज द एक्टिव साइट। और इफ कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट इज इंक्रीज्ड एंजाइम एक्टिविटी कैन रीगेन्ड, यानी वापस मिल सकती है। दस इट इज रिवर्सिबल इनहिबिशन। ये बात समझ में आ गई, तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। एक और एग्जाम्पल हम आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, उसका बहुत डिटेल में नहीं जाना है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया यूजिंग सल्फा ड्रग्स। सल्फा ड्रग्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पे सल्फा नीलामाइड, ये एक सल्फा ड्रग होती है, एंटीबायोटिक होती है ये। तो ये सल्फा ड्रग जो है ये होते हैं एनालॉगस टू पाबा। पाबा मतलब कि पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड, इसको पाबा कहते हैं। और पाबा क्या है? इट इज प्रीकर्सर ऑफ
फॉलिक एसिड, प्रिकर्सर ऑफ फॉलिक एसिड इन बैक्टीरिया। तो देखो सिंपल सी बात है, इसको समझ लो, एक बार समझा दे रहे हैं। जो सल्फर ड्रग है वो क्या है, एनालॉगस है पाबा के। पाबा क्या है, फॉलिक एसिड का प्रिकर्सर है बैक्टीरिया में। फॉलिक एसिड जो है बैक्टीरिया में चाहिए होता है, फॉलिक एसिड एक विटामिन है जो बैक्टीरिया को चाहिए होता है उसको अपने नॉर्मल फंक्शन, सेलुलर या मेटाबॉलिक फंक्शन करते रहने के लिए। लेकिन चूंकि सल्फर ड्रग जो है पाबा के एनालॉगस है, तो सल्फर ड्रग जब जैसे ही आदमी खाता है तो पाबा की जगह सल्फर ड्रग जो है वो एंजाइम से जुड़ जाती है और फिर फॉलिक एसिड की सिंथेसिस बैक्टीरिया कर नहीं पाता, बैक्टीरिया मर जाता है। अब सवाल यह है कि फॉलिक एसिड तो हमारे में भी चाहिए, तो हम लोग में कमी क्यों नहीं हो जाती फॉलिक एसिड की? तो जो डॉक्टर है सल्फर ड्रग लिखेगा ना, वो साथ में फॉलिक एसिड के कैप्सूल भी लिख देगा कि भैया खाते रहो तो है कमी ना हो। ये बात आपको समझनी है बस। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। यहाँ पे सल्फर ड्रग जो है वो इनहिबिटर है और पाबा जो है वो सब्सट्रेट है। अब आते हैं नंबर तीन पे। नंबर तीन पे हमारे पास क्या है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। यहां कोई कॉम्पीट नहीं कर रहा है एक दूसरे से, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। यहां सिंपली क्या होता है, पहला तो बात यह है कि ये इरिवर्सिबल टाइप का होता है। एक बार इनहिबिशन हो गया तो फिर कहानी खत्म है, एंजाइम मॉलिक्यूल बर्बाद, अब दोबारा अपनी एक्टिविटी गेन नहीं कर सकता। ऐसा क्यों, क्योंकि द इनहिबिटर डिस्ट्रॉयज और कंबाइन्स इररिवर्सिबली विद एक्टिव साइट। एक बार जुड़ गया तो अब उसमें से निकलेगा नहीं, या डैमेज कर देगा एक्टिव साइट को। तो दोनों केस में क्या होगा, एक्टिव साइट बची ही नहीं, एंजाइम बचा ही नहीं। जैसे कि एग्जांपल हम लेना चाहें, फॉर एग्जांपल साइनाइड, सुना होगा बहुत, जहर होता है। ये क्या करता है, साइनाइड इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम। इस एंजाइम की एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देता है। कैसे, बाय कंबाइनिंग विद इट्स मेटेलिक आयन्स। इस एंजाइम के जो मेटलिक आयन्स हैं उनसे जुड़ जाता है साइनाइड और फिर निकलता ही नहीं है, तो एक्टिव साइट बर्बाद हो जाती है। अच्छा, दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि जो इररिवर्सिबल इनहिबिटर होता है या नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर has no structural similarity with substrate. Substrate से कोई structural similarity नहीं होती है इसकी, जैसा पहले हमने देखा था competitive वाले में। ये point आपको याद रखना है। तो इस तरह से ये competitive और non-competitive inhibition जो है वो complete हो गया। ये चैप्टर खत्म है लगभग, मतलब कि ये 99% खत्म है। 1% जो थोड़ा बहुत बचा है उसमें एक एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन को फिर से हमको बताना है, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, वो टॉपिक है आपका कोएंजाइम, कोफैक्टर
और प्रोस्थेटिक ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताना, यानी कि करीब 20 मिनट का तो लगभग बचा ही है, उसको कल कंप्लीट करा के और कल फिर क्लास 12th का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा हर हालत में। अब चूंकि एंजाइम था, इसको हल्के में हम आपको बता नहीं सकते थे, तो ये डिटेल में एक्सप्लेन करना ज़रूरी था।